वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानेंगे सीआईटीएस जो फॉर्म ऑनलाइन आज से होगी उसके बारे में जानेंगे। देखिए सीआईटीएस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप लोग क्या करें, उसकी जो नोटिफिकेशन है, जो उसकी प्रोस्पेक्टस है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद भरें। बात किया जाए इसकी फॉर्म की, तो सीआईटीएस फॉर्म में अगर थोड़ा सा भी आप फॉर्म भरने में गलती करते हैं तो आपकी फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। डीजीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो प्रोस्पेक्टस में दिए हुए हैं वो चीज़ें पे आपको ध्यान में रखना होगा। काफ़ी बार हर एक साल जो फॉर्म भराती है उसमें काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। इसकी वजह यही रहती है कि फॉर्म अप्लाई करने में कहीं ना कहीं गलती हो जाता है। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान देना ये होगा कि आप कौन, जो आपकी ट्रेडें हैं वही ट्रेड में आप फॉर्म को अप्लाई करें। गलती से अगर दूसरे ट्रेडें में आप अप्लाई करते हैं तब फॉर्म आपके रिजेक्ट माने जाएंगे। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी में आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्लियर है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तब आप एससी एसटी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान में देना होगा। ज़्यादातर ट्रेड ध्यान देंगे कि जो ट्रेड हैं उसी ट्रेड में आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द लोड हो जाएंगे कि कौन से ट्रेड वाले कौन से ट्रेड में अप्लाई कर पाएंगे, क्लियर है। दूसरा चीज़ें ये ध्यान में देना होगा कि फॉर्म अप्लाई करते समय नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और आपकी जो परसेंटेज है, जो आपकी आधार कार्ड नंबर है, ये सारी चीज़ें, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा और करेक्ट भरना होगा। अगर इसमें कोई भी गलतियां होती हैं तो अब आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आप ध्यान रखें, आज से लिंक जो है इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोग बहुत जल्द फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर उसी गाइडलाइन को पढ़ें और फॉर्म भरते समय ये सारी चीज़ें आप ध्यान दें। सीआईटीएस से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।